हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। तो आप लोग में से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आता है और यूट्यूब पर कमेंट भी आता है कि हम कौन सी गियर किट को परचेज करें। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम 5 स्पीड को ले, 6 स्पीड को ले या फिर 7 स्पीड को ले, और इसमें गियर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, चेन प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता है। तो आज की इस वीडियो डिटेल इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो हम लोग सारे गियर किट को कंपेयर कर आपको बताएंगे कि कौन सा गियर किट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। यहाँ पर आपको 3 गियर किट दिख रहा होगा, यह है 5 स्पीड की गियर किट, यह है 6 स्पीड की गियर किट और यह है 7 स्पीड की गियर किट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तीनों गियर के पार्ट्स को निकाल कर दिखाने वाले हैं और इसे कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके सील को तोड़ लेते हैं। ये रहा, ये अभी तक सील है। तो चलिए फटाफट से हम आपको 5 स्पीड दिखा देते हैं। तो ये जो 5 स्पीड है, इसमें आपको इस प्रकार की एक डिरेलियर देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक रोलिंग शिफ्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक केबल हाउसिंग देखने को मिलता है, और ये है 5 स्पीड की फ्री व्हील, और यहाँ पर है 3 जिप टाई। और चलिए इस वाले पैकेट को हम खोलते हैं। ये पैकेट में पैक थी, मैंने इसे रिमूव किया कर दिया था पैकेट में से। और आप देख सकते हैं ये है 6 स्पीड की गियर किट। तो ये रहा हमारा 6 स्पीड का डिरेलियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का है। और ये क्या, यहाँ हमारे 6 स्पीड की गियर किट में इस बार आपको ट्रिगर शिफ्टर मिल रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमने अनबॉक्सिंग की थी उसमें आपको 5 स्पीड की गियर किट में ट्रिगर शिफ्टर मिल रहा था। तो पता नहीं ये कंपनी वालों ने क्या उलट फेर कर रखा है। ये आप देख सकते हैं ये एक ट्रिगर शिफ्टर है। तो चलिए ये इस फ्री व्हील, चलिए हम फ्री व्हील को भी रिमूव कर देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये 6 स्पीड की फ्री व्हील है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 चेन रिंग दिया गया है। और ये रहा हमारा केबल हाउसिंग, और इसके साथ भी आपको 3 जिप टाई मिलता है। तो चलिए हम लोग इसे रखते हैं अंदर और 7 स्पीड को करके देखते हैं अनबॉक्स। ये रही हमारी 7 स्पीड की गियर किट। तो इस बार वाली हमारी गियर किट थोड़ी सी पहले से डिफरेंट लग रही है, इसकी क्वालिटी भी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। पिछली बार जो हमें गियर किट मिली थी उसका डिरेलियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन देख लेते हैं खोल के इस बार। इस बार आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिरेलियर है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट मुझे मिला है। और इसकी जो पैकिंग की बात की जाए तो ये लेटेस्ट पैक ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 20 की है ये, यानी 2020 की ये पैकिंग मुझे मिल गई है, वो भी दिसंबर मंथ की ही है। और यहाँ पर मुझे डिरेलियर थोड़ा सा, यहाँ पर मुझे चीप क्वालिटी देखने को मिल रहा है, पहले इससे थोड़ी सी बढ़िया ही डिरेलियर कंपनी के द्वारा मिलती थी मुझे। और ये रहा हमारा हैंडल ग्रिप जो कि राइट साइड का है, और ये रहा लेफ्ट साइड का हैंडल ग्रिप, और ये है जिप टाई। और यहाँ पर मुझे एक 6-7 स्पीड की शिफ्टर भी मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर प्रिंटेड है। एक छोटा सा डिस्प्ले भी इसके साथ मिलता है, यहाँ पर आपको एक बैरल एडजस्टर मिलता है, यहाँ पर आपको वायर केबल पहले से अटैच्ड मिलती है। तो चलिए हम लोग फ्री व्हील को भी खोल कर देख लेते हैं कैसी है। फ्री व्हील की बात की जाए तो ये थोड़ी हेवी है, इसका साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग इसे भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 स्पीड की फ्री व्हील है। और इसका जो आगे का जो 5 चेन रिंग तक है वो गोल्डन कलर का है और लास्ट वाला ब्लैक कलर का। और यहाँ पे आपको थ्रेड कटी भी मिलती है जो कि हब के अंदर लग जाता है, और उसके साथ भी आपको एक केबल की हाउसिंग मिलती है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसे कंपेयर करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
डिरेरियर से कंपेयर करते हैं तो ये रहा हमारा 7 स्पीड का डिरेरियर, ये रहा हमारा 5 स्पीड का डिरेरियर, और ये है ये हमारा 6 स्पीड का डिरेरियर। अगर डिरेरियर की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी वालों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा बचा लिया है। ये डिरेरियर की जो क्वालिटी है अप्रॉक्स इसके जैसी ही, ये सेम है 100% इन दोनों की क्वालिटी। और इससे जो पहले हमने गियर किट की अनबॉक्सिंग की थी 7 स्पीड में, तो उसकी जो डिरेरियर थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इससे इसकी भी क्वालिटी देखी जाए तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सेम ही दिख रहा होगा, बस कलर का डिफरेंस है। इन्होंने इसे ब्लैक कलर में कर दिया और इसके बाद ऑल ओवर ये बिल्कुल सेम है, बस इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा अधिक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ज़्यादा थोड़ा सा फैल जाता है। ऑल ओवर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो तीनों डिरेलियर है अप्रॉक्स सेम हो गया है। डिरेलियर में तो मुझे कोई डिफरेंट ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको स्प्रिंग के टेंशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ये कम फैलेगा, ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा फैलेगा और ये 7 स्पीड के अकॉर्डिंग फैलेगा, और बाकी आपको डिरेलियर बिल्कुल सेम देखने को मिलता होगा। उसके बाद हम लोग अब शिफ्टर को कंपेयर करते हैं। तो ये रहा हमारा 5 स्पीड का शिफ्टर जो कि हमारे 5 स्पीड के गियर किट के अंदर निकला था, जो कि इससे पहले हमने अनबॉक्सिंग किया था 6 स्पीड में, तो ये 6 स्पीड के साथ मिलता था लेकिन अब इसे 5 स्पीड के साथ दे दिया जाता है। उसके बाद ये रहा हमारा 6 स्पीड का शिफ्टर जो कि एक ट्रिगर शिफ्टर है, आप देख सकते हैं। तो ये पहले 5 स्पीड के साथ दिया जाता था, अब इसे 6 स्पीड के साथ दिया जाता है। पता नहीं ये कंपनी वालों ने इतना उलट फेर क्यों कर दिया है। उसके बाद ये रहा हमारा 7 स्पीड का शिफ्टर, तो ये 7 स्पीड का शिफ्टर शुरू से ही 7 स्पीड के साथ ही दिया जाता था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शिफ्टर की बात की जाए तो ये शिफ्टर थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि इसमें नंबर प्रिंटेड है। और ये रहा ट्रिगर शिफ्टर जो कि बहुत लोग को ये शिफ्टर पसंद आता है। और ये रहा रोलिंग शिफ्टर जिस पे कोई भी डिस्प्ले नहीं दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार ही बार बार आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि किस गियर पर हमारा साइकिल चल रहा है। इसके बाद अब हम फ्री व्हील को कंपेयर करते हैं। तो चलिए आप दिखा देते हैं कि ये है 5 स्पीड की फ्री व्हील। अब हम लोग 6 स्पीड की फ्री व्हील को निकालते हैं। ये रही 6 स्पीड की फ्री व्हील और ये है 7 स्पीड की फ्री व्हील। तो चलिए हम लोग डिरेलियर को रखते हैं साइड में। तो इस फ्री व्हील में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। ये फ्री व्हील थोड़ा सा पतला आपको दिखता है क्योंकि ये 5 स्पीड का है। ये आपको थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको। और ये 7 स्पीड का जो सबसे ज़्यादा आपको इसकी चौड़ाई दिख रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों को एक साथ। कलर की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 7 स्पीड में आपको गोल्डन कलर दिया जाता है, बाकी यहाँ पर सब आपको ब्लैक कलर का मिलता है। उसके बाद हम लोग अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर केबल हाउसिंग, तो सब में आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केबल हाउसिंग 5 स्पीड की है, ये 6 स्पीड की है और ये केबल हाउसिंग आपकी यहाँ पर 7 स्पीड की है। ये देख सकते हैं ये जो 7 स्पीड का केबल हाउसिंग है अप्रॉक्स मुझे थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है या फिर ये बड़ा रोल कर दिया गया होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो केबल हाउसिंग है, तो हम लोग वापस से इसमें रख देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर आपको कोई हैंडल ग्रिप नहीं मिलता है। ये 5 स्पीड की गियर किट की बॉक्स है, ये 6 स्पीड की गियर किट की बॉक्स, इसमें भी कोई आपको हैंडल ग्रिप नहीं मिलता है। और ये रहा आपका 7 स्पीड का गियर किट का बॉक्स। चलिए 7 स्पीड गियर किट में भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको 2 हैंडल बार देखने को मिलता है, एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। और प्राइस की बात की जाए तो चलिए अब लोग हम लोग प्राइस को भी कंपेयर कर लेते हैं कि कौन वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 स्पीड की गियर किट है जिसकी MRP 750 रुपये यानी 750 रुपीज़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पर आपको लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है 5 स्पीड नॉन इंडेक्स फुल ब्लैक 1 पीस डिरेलियर रियर नॉन इंडेक्स 5 स्पीड MTB नोजल केबल एंड केसिंग नॉन इंडेक्स प्लास्टिक क्लिप 3 पीस। इसकी जो प्राइस है 750 रुपीज़ है। और यहाँ पर आपको 6 स्पीड की दिख रही होगी गियर किट जिसकी प्राइस है 740 रुपीज़, यहाँ पर थी 750 रुपीज़। तो जो 5 स्पीड है वो ज़्यादा कॉस्ट थोड़ा सा इससे 10 रुपया कम है। और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ही लिखी हुई है, बस इसकी प्राइस है जो 10 रुपया कम है। ऑल ओवर बॉक्स भी आपको बिल्कुल सेम ही दिख रहा होगा, मुझे तो लगता है पूरा बॉक्स सेम ही होता है, बस इसकी जो ऊपर की जो स्टिकर होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग अब 7 स्पीड की बात करते हैं। तो ये है 7 स्पीड की बॉक्स, यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं 1450 यानी 1450 रुपये की ये है इसकी प्राइस। और यहाँ पर आपको पूरा कंपोनेंट लिखा हुआ है कि 7 स्पीड ब्राउन लास्ट ब्लैक 1 पीस यहाँ पर लिखा हुआ है, डिरेलियर रियर 6 और 7 विथ
हुक हुक वाला डिरेलियर हमें दिया गया, लेकिन ये जो डिरेलियर की क्वालिटी है मुझे पहले से तो और डल लगी। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इसकी क्वालिटी को और डल करना चाहिए था। यहाँ पे आपको शिफ्टर भी लिखा हुआ है, 7 स्पीड विथ केबल हाउसिंग, प्लास्टिक ग्रिप, रबर ग्रिप, 75 मिलीमीटर का है और 115 मिलीमीटर का एक है। तो ये रहा हमारे 75 मिलीमीटर का जो था छोटा वाला, ये रहा 75 मिलीमीटर का और ये है 115 मिलीमीटर का दो हैंडल ग्रिप। यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस भी है 1450 रुपये। तो ये है 7 स्पीड की गियर किट। तो बस आपको 6 स्पीड, 5 स्पीड और 7 स्पीड की गियर किट में बस इतना ही कुछ मिलता है। और सेम होने की बात की जाए तो इन तीनों का शिफ्टर डिरेलियर बिल्कुल सेम है। शिफ्टर में यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलता है, यहाँ पर आपको शिफ्टर में डिफरेंट मिलता है। हैंडल ग्रिप बस आपको 7 स्पीड में मिलता है, बाकी आपको 6 स्पीड में हैंडल ग्रिप देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वेनम की भी कंपेयर स्टारलेट से की जाए और वेनम के भी प्रोडक्ट के हम इससे कंपेयर करेंगे कि कौन बेस्ट है और आपके लिए कौन वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।